देता हूँ यहाँ पे कर देता हूँ और एक बार भक्तों की आप, मैंने लगभग अभी 100 बलून यहाँ पे फुला दिए। मतलब चाहते हो कि हम ऐसा करें तो हम एक दिन पूरे फ्लोर पे बलून ही बलून बिखराएंगे। आप और हमारी झाड़ू का कलर, हमारे बलून का कलर और मेरी ड्रेस का कलर, हमारा सेटअप हो चुका है रेडी। मतलब इतनी देर से जिस चीज का इंतजार था। मैं वेलकम बैक। सो हे गाइस, वेलकम बैक। वेलकम बैक। और आगे क्या बोलते हैं यार, मैं भूल गया। अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ, तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की करते हैं हम शुरुआत। और हमारा ये जो रिंग दिख रही है आपको, इस रिंग को मैं हटाने वाला हूँ। इसको मतलब बहुत पुराने हो गए, मुझे मजा नहीं आ रहा, तो इसको मैं हटाऊंगा और यहाँ पे कुछ और कुछ यूनिक कुछ नया आपको करके दिखाऊंगा। और कैसे करने वाला हूँ, किस प्रोसेस से करने वाला हूँ, वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। छोटा सा ब्लॉग होगा, आप देखना, आपको मजा आएगा और कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो अपन इसको हटाते हैं जल्दी से। और ये हो चुका पुराना, तो इसको हम हटाएंगे और करके दिखाएंगे न्यू। ऐसे फूटेंगे बोल चीज। और मैं आपको बता दूं कि जो ये रिंग है ना, इसमें हम कौन सा कलर करने वाले हैं, किस कलर से इसको हम डेकोरेट करने वाले हैं, वो कलर बहुत ही अच्छा होने वाला है। मतलब यूनिक कलर है, आज तक मैंने कभी नहीं किया और मैं ये खुद आज करने वाला हूँ। मतलब मैं खुद इस रिंग को डेकोरेट करूंगा। अभी बज रही 11:10, कल मुझे काम है, बुकिंग भी है यहाँ पे, तो कल टाइम नहीं होगा हमारे पास, इसलिए मैं इस चीज को अभी कर रहा हूँ 11 बजे। मतलब आज रात को कर दूंगा, कल काम हो जाएगा हमारा। ये हमारा कुछ सामान है, ये देखो, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6। तो गाइस टोटल हमारे पास 6 बलून की थैली है, मतलब लगभग 300 बलून है हमारे पास। और ये मशीन चालू क्यों नहीं है ये? तो इसका हमने यहाँ से पिन बंद कर रखा है। इसको पिन स्टार्ट करने के बाद, ये मशीन वर्क कैसे करती है, ये जो नोज़ल होते हैं ना, ये नोज़ल यहाँ लगे होते हैं, इसको निकाल के आपको यहाँ लगाना होता है, इसको ऐसे बंद करना होता है, उसके बाद अपने आप, और ये दोनों एक साथ चलते हैं। ये दोनों जो नोज़ल, जो दोनों नोज़ल है ना इस मशीन के, वो दोनों एक साथ चलते हैं। और हम 300 बलून है हमारे पास, 300 बलून में ये रिंग डेकोरेट होगी। मतलब लगभग 300 बलून के अंदर ये रिंग डेकोरेट होगी। मतलब इसमें जो अभी लगे हुए हैं वो लगभग 150-200 बलून। गाइस नए बलून फुलाने के लिए हमारे को पुराने वाले बलून हटाने पड़ेंगे, और पुराने वाले हटाने के लिए हमें कुछ इस तरीके से फुलाने पड़ेंगे। देखो ये क्या ऐसे बंद होते ना, तो कुछ इस तरीके से फुलाना पड़ता है, खोल खोल के। आपको दिख रहा है ऐसे? मतलब मुझे ना ये बलून हटा के बड़ा मजा आता है, बलून को हटाने के बाद और इनको फोड़ना, इसमें बड़ा मजा आता है। ये देखो, ये छोटू बलून हो गया है, अभी फूटेगा ही नहीं है। देखो कितनी कोशिश कर लो, नहीं फूटेगा, नहीं फूटेगा। हार्ट है गाइस, देखो ये हार्ट है, हार्ट नहीं फूटा भाई, बलून फूटा है। तुम सारे नीचे आ गए हैं अब पूरे, और देखो इनको फोड़ने का मजा दिखाओ। हाँ अरे यार, ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया। इनको यूज करूंगा दोनों हाथों से, बलून फुलाऊंगा, क्योंकि मुझे 300 बलून फुलाने हैं, जल्दी फुलाने, इसलिए आप लोगों को अभी यहाँ बैठना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा बैठ के। यहाँ पे कर देता हूँ और एक बार इस एंगल देख लेता हूँ, ये सही लग रहा है, और उसके बाद में यहाँ पे बलून फुलाएंगे। सकते हो कि आप, मैंने लगभग अभी 100 बलून यहाँ पे फुला दिए। मतलब अभी मैंने लगभग 100 बलून यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। तो अगर आप लोग चाहते हो, मतलब यहाँ पे बहुत सारे बलून बिखरे हुए ना, बहुत अच्छे लग रहे हैं, अगर आप लोग चाहते हो कि हम ऐसा करें तो हम एक दिन पूरे फ्लोर पे बलून ही बलून बिखराएंगे और बहुत मस्ती करेंगे, आप कमेंट करके मुझे बताना अगर आप चाहते हो तो हम वो भी करेंगे एक दिन। तो अभी देखो ये बलून है ना, इनको उठा के और इस रिंग पे कैसे लगाते हैं, वो चीज आपको दिखाऊंगा। लगभग अभी 100 फुलाएं, उसके बाद और फुलाएंगे, इसको आधी कंप्लीट करते हैं फिर आधी करके करेंगे। तो गाइस हम पहले दो, मतलब एक अलग कलर का, एक सेम कलर का, आप चाहो तो सेम कलर भी ले सकते हो। फिर इनको इस तरीके से आपको यूं मिलाना है, यूं मिलाने के बाद आपको इस रिंग पर डालना है, और उस तरफ से दोनों का जो अलग अलग कॉम्बिनेशन है ना, उसको यूं उठाना है। ये हो चुका है। अब सेम इसी तरीके से आपको एक और कलर कॉम्बिनेशन लेना है, इसको यूं करना है, इसको इसके अंदर डालना है, इसको यूं घुमाना है, और अंदर जाके आपको दोनों बलूनों को यूं कर देना है, और ये बन गया एक कलर कॉम्बिनेशन। कुछ आधी रिंग हमारे दिया उसकी, अब हमारे को जरूरत पड़ने वाली सिद्धि की। अब क्योंकि ऊपर का रह गया है, तो इसके लिए हमको सिद्धि की जरूरत पड़ेगी, और सिद्धि पे चढ़ के अब हम ऊपर के फत बलून लगाएंगे। और ये देखो यहाँ तक की तो कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में। सो गाइस ये जो पीछे वाले बलून है, ये जो छोटे छोटे ना, इनको अपन इसको ऐसे आगे कर देते हैं, इनको निकाल के पीछे साफ कर देते हैं। गाइस इसको भी इधर कर देते हैं सबको, और आपको दिखाता हूँ, देखो मेरी हालत देख सकते हो आप, और हमारी झाड़ू का कलर, हमारे बलून का कलर और मेरी ड्रेस का कलर, तीनों कलर मैच कर रहे हैं। तो गाइस अब झाड़ू खत्म करने के बाद मैं आपको देने वाला हूँ एक फाइनल लुक।
सो फाइनली गाइस हमारा सेटअप हो चुका है रेडी। मतलब इतनी देर से जिस चीज का इंतजार था मैंने, घंटा डेढ़ घंटा हो गया मुझे करते करते, तो वो सेटअप रेडी हो चुका है। आपको एक बार दिखाता हूँ और आप बताना मुझे कैसा लग रहा है। तो फाइनली गाइस ये रहा हमारा वो सेटअप जो कि रेडी हो चुका है। एक बार आपको दिखाता हूँ कि देखो गाइस ये हमारी रिंग है जो हमने बलून्स की डेकोरेट करी है, और इसको हमने किस तरीके से डेकोरेट किया है आपको बताऊंगा मैं। जैसे आप एक बार ये देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे चांद रखा हुआ है और यहाँ पे चनाई चांद पे बैठ सकता है, उसके बाद ही सेटअप पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसकी फोटो के साथ। हालांकि अभी हमने टेबल सेटअप जो है ये कंप्लीट नहीं हुआ है। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मतलब जो ये बलून हमने इस तरीके से लगाया ना, तो ये बलून जो है मतलब ये चार का सेट होता है, तो चार का सेट अलग अलग कलर का लगेगा, मतलब ये और ये मतलब दोनों अलग अलग होंगे, और इसको अपन टेढ़ा लगाएंगे थोड़ा। तो इस तरीके से जो भी टेढ़ा लगेगा ना, तो ये जो गुथा हुआ है ना, मतलब एक के अंदर एक जो गुथा हुआ है, मतलब जो ये स्ट्रक्चर आया है, कलर आया है, ये अपने आप निकल के आ जाएगा। तो गाइस आप मुझे बताना कि आपको ये पूरा सेटअप, मतलब ये जो पूरा सेटअप है ये कैसा लगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अगर आपके दिमाग में भी कुछ हो तो मुझे बताना, आइडिया देना, और आप कुछ नया चाहते हो तो उसके लिए भी मुझे आइडिया देना। अगर वीडियो यहां तक देख लिया है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नए ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा और बाय बाय।